हेलो दोस्तों, यहाँ पर जो है जगुआर का बॉडी जेड हमने फिटिंग किया है और इसके अंदर जो पाइपलाइन है पूरी टोटल सीपीवीसी के अंदर किया है। तो बाथरूम के अंदर दोस्तों जो हमने 1 इंची पाइपलाइन का यूज़ किया है और यहाँ पर एक बार पॉइंट की टी मार के गीजर के लिए पॉइंट निकाला हूँ ताकि गीजर के अंदर जो कूल वाटर है वो कूल वाटर जाएगा और ये आउटलेट यानी जो कूल वाटर हॉट वाटर बनेगा पाइपलाइन से डायरेक्ट ये बॉडी जेट के अंदर कनेक्ट होगा। इसके अंदर MTA वगैरह लगा के अच्छे से इसको पैक किया ताकि लीकेज वगैरह ना हो। और यहाँ पर देख सकते हैं आप H यानी यहाँ पर लिखा हुआ हो रहता है H यानी हॉट वाटर का पॉइंट है। तो दोस्तों आपको इसका मिनिमम मैक्सिमम वो भी ध्यान में रखना है। और यहाँ से जो 1 इंची पाइपलाइन किया हो, 1 इंची पाइपलाइन में मैंने इसका काम किया हो और यहाँ पर एक बार पॉइंट की टी मारकर जो कूल वाटर है मतलब जो ठंडा पानी है वो यहाँ पर एल्बो मारकर डायरेक्ट बॉडी जेट के अंदर कनेक्ट किया हो या MTA वगैरह मार के एकदम प्रॉपर एकदम फिटिंग किया हो। और जो कूल वाटर है यानी कूल वाटर बोले ठंडा पानी उसका सिंबल सी का रहता है तो वो साइड में कूल वाटर जाएगा। और इसका जो एक राइट साइड में 2 पॉइंट रहते हैं, राइट साइड में कूल वाटर और लेफ़्ट साइड में हॉट वाटर, इस पर H और C लिखा रहता है। और इसके अंदर जो है 3 आउटलेट के पॉइंट निकाले हुए। तो ये दोस्तों जो आउटलेट का पॉइंट है यहाँ पर मैंने जो 1 इंची बाईपास का यूज़ किया, यहाँ पर पाइप क्रॉस हो रहा था और यहाँ पर एल्बो मारो और एक और यहाँ पर बाईपास लगा के मैंने पाइप क्रॉस हो रहा था तो बाईपास का यूज़ किया हूँ। और यहाँ से निकलता हुआ ये मैंने स्पॉट के लिए यहाँ पर एक पॉइंट छोड़ा, ये ब्रास एल्बो स्पॉट के लिए छोड़ो। और इसकी जो हाइट है मतलब टाइल से इसकी जो हाइट है वो 32 इंच है। और जो दोस्तों जो दूसरा आउटलेट है ये मैंने बॉडी जेट के लिए यूज़ किया हूँ, यहाँ पर 3 आउटलेट का ऑप्शन थे और यहाँ से MTA वगैरह मार के टेफ्लॉन टॉप से एकदम फिट करके यहाँ पर 1 इंची टी मारो और 1 इंची ब्रास टी मारो। और यहाँ पर देख सकते हैं शावर के लिए भी एक पाइप जा रहा था तो यहाँ पर एक बाईपास मार के एल्बो मार कर मैंने यहाँ पर एक ब्रास टी मारो, ये जो है कनेक्शन बॉडी जेट का है। और एक बाईपास मार कर और एक नीचे ब्रास टी लगाया हूँ। और ये ब्रास टी और ये ब्रास टी है दोनों का जो डिस्टेंस मैंने 14 इंच रखा हूँ। नॉर्मल आप 1 फुट भी रख सकते, 12 इंच भी रख सकते, 14 इंच भी अच्छा रख सकते। और यहाँ पर एल्बो मारकर सीधा पाइपलाइन जो है मैंने एल्बो मारा और एक ब्रास टी लगाया। अब दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रहा था बाईपास यहाँ पर नहीं लग रहा था तो 45 जो बेड है वो मैंने 4 यूज़ किया हो उसके अंदर और 4 45 से यहाँ पर मैंने टी के अंदर अटैच किया ताकि जो प्रेशर है प्रॉपर चारों बॉडी जेट को बराबर मिलता रहे और प्रेशर का प्रॉब्लम ना हो। और इसकी भी दोस्तों ये जो ब्रास टी मारा हूँ ये चारों भी ब्रास टी एकदम इसका ओलंबा या गोला निकाल कर टूप लेवल पे। और दोस्तों जो ये तीसरा पॉइंट है आउटलेट का ये डायरेक्ट मैंने 1 इंची पाइपलाइन के एल्बो मारकर यहाँ पर ब्रास एल्बो दिया हुआ, ये शावर के अंदर कनेक्ट होगा। जो शावर है सीलिंग शावर है तो इस तरह से दोस्तों बॉडी जेट का काम किया हुआ। और यहाँ पर जो 1 इंची पाइपलाइन है वो एल्बो मारकर एक यहाँ पर जो बेसिंग है टेबल टॉप बेसिंग है वाशे पीरे में वो बेसिंग के लिए गया है। तो इस तरह से दोस्तों जो बॉडी जेट का काम किया जाता है। क्या हाइट है बॉडी जेट डायवेटर की वो 42 इंच है, 42 इंच पे फिटिंग किया। और जो स्पॉट की हाइट है यानी नल की जो हाइट है वो 32 इंच है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर निकाल के रखिएगा ताकि जब भी आप बॉडी जेट का काम करें तो आपको कोई भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।